आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड इवनिंग टू ऑल सर्वेशियंस जो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी हैं। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस फैबुलस फ्राइडे के दिन में जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ समझने वाले हैं इस बिजनेस को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त खुश और अपनी अपनी जगह पर अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे। आज ये जो महीना है दिसंबर का महीना ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों का घर से निकलने का मन नहीं करता है बट फिर भी सर्वेशियंस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है और पूरी मेहनत से जी जान लगा रहे हैं। ये महीना आखिरी महीना है साल का 2022 का और हम विदाई लेने वाले हैं 2022 को एक अच्छी सी यादों के साथ एक बेहतरीन यादों के साथ। और इसी कड़ी में आज का ये दिन भी आता है जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी सर्वेशियंस का मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। तो बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है आपके आज के हमारे चीफ स्पीकर है उनको बुला लिया जाए। तो क्या कहते हैं आप लोग बुला लिया जाए या अभी रहने दिया जाए? जल्दी से मुझे मैसेज में जवाब देकर के बताएं आप लोग अगर एक्साइटेड है तो बुलाया जाए। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर चुके हैं यस का मैसेज आ रहा है तो बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पर और आपकी बात को मानते हुए चंद लाइनों के साथ मैं जरूर बुलाना चाहूंगा आज के हमारे चीफ स्पीकर को हमारे स्पीकर को जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्यार का कोई गीत सुना दो प्यार का कोई गीत सुना दो मेरी हार को आज जीत बना दो प्यार का कोई गीत सुना दो मेरी हार को आज जीत बना दो आए हो रहनुमा बनकर हमारे आए हो रहनुमा बनकर हमारे अपने शब्दों से मेरे जीवन को सफल बना दो। यकीन मानिए दोस्त उनके शब्द इतने बेहतरीन होंगे कि आपका जीवन सच में सफल हो जाएगा लेकिन एक शर्त पे कि आपने जो 40 से 45 मिनट देने हैं बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है बिल्कुल ध्यान से उनको समझना है क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है जो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही हसमुख हमेशा हंसते हुए हमेशा खिलखिलाते हुए हमको सिखा जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारी बातें वो बिना कहे कह जाते हैं और बहुत ही एनर्जी बहुत ही पावर है उनमें। मैं उनको हर वक्त एनर्जी में देखता हूं जब भी उनसे मिलता हूं बहुत खुशी होती है दिल से अंदर से मन से खुश होता हूं। तो आज ये खुशी आप सभी को मिलने वाली है उनसे मिलकर के। तो आप सभी के साथ और आप सभी की विशेष के साथ मैं आज अपने चीफ गेस्ट अपने स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हम बजा लेते हैं। मैं जरूर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट को नहीं सुन सकता लेकिन महसूस कर सकता हूं और आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर मिस्टर संजीव शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। संजीव सर यहाँ पर अवेलेबल है तो प्लीज जल्दी से आप आ जाए और आपका स्वागत है। बहुत लोग आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मैं उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा वो खुद आपको अपने बारे में बताने वाले हैं बहुत कुछ सुनाने वाले हैं और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो स्वागत है संजीव सर अगर आप यहाँ हैं। थैंक यू सरबजीत जी थैंक यू सर थैंक यू सो मच जो आपने प्यार और अंदाज और मिठास से जो आप स्पीकर को बुलाते हैं तो स्पीकर वैसे ही चार्ज हो जाता है जिस
अंदाज से आप बुलाते हैं, क्योंकि कई बार ना चाय के अंदर मीठा ना भी डाले तो चाय में जो स्वाद आता है ना, तो वो मीठा डालने की बजाय इतना शानदार कई बार चाय लगती है। और आपके जो मधुर शब्द है, जो मिठास है, जो स्पीकर को बुलाते हैं, तो स्पीकर अपने आप में चार्ज हो जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच सरजीत जी। थैंक यू सर, आपको जब भी 1000, 2000, 5000 वॉट का एनर्जी पावर बैक है सर, तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके चेहरे की स्माइल देखकर के दिल खुश हो जाता है। वेलकम टू यू सर, कैसे हैं आप सर? नहीं, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपसे पड़ता है, और अगर फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होता है तो लास्ट तक तो सही चलता ही चलता है। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबको मेरा नमस्कार तहे दिल से, सबको मेरा प्यार वाला नमस्कार। मैं संजीव शर्मा पंजाब से, पठानकोट से मैं स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल वेबिनार के अंदर। तो साथियों, जैसे कि शर्बश्री के अंदर लास्ट तकरीबन डाइट 2.5 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, और इस बिजनेस को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बड़ी शिद्दत से प्रमोट कर रहा हूँ और बड़े इंजॉय से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नेटवर्क इंडस्ट्री की जो जर्नी है वो 20 साल की जर्नी है। 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और जब मैं मतलब अपने करियर के अंदर जब मैंने कोई सही प्रोजेक्ट को पकड़ा, वो इस इंडस्ट्री को मैंने अपने लाइफ के अंदर अडोप्ट करना हुआ। और आज मैं अपने आप को लकीस्ट फिल्म मानता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली फिल्म मानता हूँ कि आज मैं शर्बश्री के साथ हूँ, और हजारों लाखों लोगों के साथ हम लोग इस कारवा को पूरे भारतवर्ष में प्रमोट कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करना चाहेंगे, तो पहले तो मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान है, क्योंकि अभी जो दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ जो है वेदर चेंज हो गया है दिसंबर मंथ के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर आपको हर तरह का वेदर इंजॉय करते हो, चाहे वो सर्दी का हो, चाहे वो बरसात का हो, चाहे पतझड़ का हो, चाहे वो गर्मी का हो। तो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है और सर्दी का मौसम है, मुझे तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी बात इसी से शुरू करता हूँ। जितने भी मेरे साथी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो पैदल वर्क कर रहे हैं, चाहे बाइक पर कर रहे हैं, चाहे बसेस पर कर रहे हैं, चाहे ट्रेन पर कर रहे हैं, तो पहले तो मौसम के अकॉर्डिंग अपने कपड़े डालना शुरू कर दो, क्योंकि नेटवर्करों में जोश और जुनून बहुत होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम जोश और जुनून से इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती है, उस अपॉर्चुनिटी से सपनों को पूरा कैसे किया जा सकता है, और उस अपॉर्चुनिटी के पागलपन के अंदर हम प्रेजेंस भूल जाते हैं कि वेदर चेंज हो चुका है और हमें थोड़े से गर्म कपड़े ले लेने चाहिए। तो डेफिनेटली दिसंबर मंथ आ चुका है, आपने वार्म कपड़े लीजिए, और क्योंकि पहला सुख निरोगी का है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है फेस्टिवल, क्योंकि दिसंबर मंथ का मतलब है फेस्टिवल पे फेस्टिवल आने वाले हैं, फेस्टिवल पे फेस्टिवल आने वाले हैं, और हिंदुस्तान के अंदर 18-20 फेस्टिवल ऐसे हैं जिससे हर आदमी बड़े बेसब्री से इंतजार करता है, उस फेस्टिवल का इंतजार करता है। जैसे अभी क्रिसमस डे आने वाला है 25 को, तो मैं आपको बहुत बहुत विश करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको क्रिसमस डे की। और देन उसके बाद न्यू ईयर का आएगा, न्यू ईयर के बाद आपको लोहड़ी का त्योहार आएगा, उसके बाद बसंत पंचमी आएगा, उसके बाद होली आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट त्योहार होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मेरे आइडिया के हिसाब से 18-20 त्योहार है, और इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है, बच्चों को भी होता है और मैच्योर लोगों को भी होता है। बट मेरी सोच के हिसाब से बच्चों को ज्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं इस त्योहार के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो त्योहार आते हैं, जो फेस्टिवल आते हैं, इस फेस्टिवल के दिनों में हमें नए कपड़े मिलते हैं, नया नए रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है, लोग अपने घरों में आते हैं, मिठाई आती है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो ये जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल को बड़ी बेसब्री से बच्चे इंतजार करते हैं कि नानी के पास जाना है, दादी के पास जाना है, नए कपड़े लेने हैं। तो क्या 365 डे के अंदर हम और हमारे बच्चे सिर्फ 20 दिन ही तैयार होने चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए,
या 365 डे के 365 डे एंजॉय होने चाहिए? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा हर दिन एक फेस्टिवल की तरह होना चाहिए? क्या हमारे हर दिन जैसे कि एक बच्चा बेसब्री से इंतजार करता है कि नया कपड़ा आएगा, नई मिठाई आएगी, नए रिश्तेदारों के पास जाएंगे, रिश्तेदार हमारे पास आएंगे, हर दिन होना चाहिए या साल के अंदर 20 दिन ही होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, हर दिन होना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया है, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं, पर और रास्तों में रोटी, कपड़ा और मकान, बट सपनों को पूरा करना है तो नेटवर्क इंडस्ट्री। और नेटवर्क इंडस्ट्री आपका हर दिन को आपके फेस्टिवल की तरह बना देता है, और मैं अपने आप को लक्की फील करता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं और इस इंडस्ट्री को पिछले 20 साल से एंजॉय कर रहा हूं, और हमारी लाइफ में हर दिन एक फेस्टिवल की तरह होता है, और फेस्टिवल की तरह तब होता है जब आपके पास वो तमाम चीजें हों जो जीवन में आप चाहते हैं। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज की पीपीटी पर चर्चा करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जो आज जो मेरी पीपीटी होगी उस पीपीटी के अंदर मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, प्रैक्टिकल ऐसी बातें करूंगा जिस चीजों के ऊपर अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लें, जहां हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें और अपने बिजनेस के अंदर इन चीजों को भी डाल लें, तो मैं आपको ढंके की चोट पर कहता हूं अगले 3 से लेकर 5 साल के अंदर आपके जीवन में इतना जबरदस्त यू टर्न आएगा कि आपके घर के अंदर हर दिन एक फेस्टिवल की तरह होगा। तो हम पीपीटी की शुरुआत करते हैं, पर पीपीटी से पहले मैं एक स्टोरी से बात करना शुरू करूंगा। स्टोरी है कि एक जंगल के अंदर दो मोर रहती हैं, एक मोरनी है, एक मोर है, और मोर मोरनी के अट्रैक्शन में आ जाता है, और मोर ने मोरनी को प्रपोजल दिया कि मैं आपके साथ शादी करवाना चाहता हूं। तो मोरनी ने कहा कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई राज नहीं, पर आपको मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो मोर ने बोला कि बताइए कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो मोरनी ने कहा कि आपके जीवन में कोई दोस्त है, आपके जीवन में फ्रेंड्स हैं? तो मोर ने सोचा और बोला कि नहीं, मेरे लाइफ में तो मैंने किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, बट मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब उसने दोस्त के बारे में मना किया तो मोरनी ने उसी समय मना कर दिया कि मैं सॉरी आपके साथ शादी नहीं कर सकता, कि जिसके जीवन में एक दोस्त नहीं है तो मैं उसके साथ शादी ही नहीं कर सकता। उसने मना कर दिया और मोर वापस अपने घर की तरफ चला गया और सोचने लगा कि इसमें लॉजिक क्या है, मैंने तो शादी का प्रपोजल दिया और उसने तो क्वेश्चन ही कुछ और कर दिया। तो अब उसके दिमाग में आने लगा कि नहीं, मैं फिर उसके पास जाऊंगा प्रपोजल लेकर शादी का, पर पहले मुझे अपने दोस्त बनाने होंगे। तो उसने कोशिश किया, अगले 4 से 6 महीने के अंदर, उसके 4-6 महीने में उसने 3 दोस्त बनाए। एक दोस्त लाइन बनाया, दूसरा दोस्त जो था वो मतलब एक बनाया मतलब कि मेंढक, एक मेंढक बनाया और एक लाइन और एक गालर चूहा जिसे हम कहते हैं जो वृक्षों के ऊपर भागते हैं और इधर उधर। तो उन्होंने ये 3 दोस्त बनाए। अब 3 दोस्त बनने के बाद वो वापस मोरनी के पास जाता है और मोरनी को प्रपोजल करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोरनी उसे फिर पूछती है कि शादी के लिए तो मैं पहले भी तैयार थी, बट क्या मेरे वो क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? कहते यस, मेरे दोस्त हैं, अब मेरे पास दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, एक दोस्त नहीं 3-3 दोस्त हैं। तो उसने कहा दोस्त हैं तो चलो हम शादी करते हैं। वो शादी कर लेते हैं, शादी करके उनका परिवार बनना शुरू हो जाता है और एक बहुत अच्छे वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बनाया होता है और वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। एक टाइम आता है, समय निकलता है, महीनों निकलते हैं, 6 महीने निकलते हैं, एक समय ऐसा आता है उस टाइम के बाद वहां पे कुछ शिकारी आते हैं शिकार करने के लिए। तो उस दिन उनको शिकारियों को कोई शिकार नहीं मिलता और गर्मी के मौसम था और वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पे मोरनी और मोर वृक्ष के ऊपर रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए हुए थे। तो वो ऊपर थे और नीचे शिकार थे। तो शिकारी आपस में बात कर रहे हैं, शिकारी कह रहे हैं कि यार आज तो कोई शिकार मिला नहीं, तो आज तो कोई शिकार मिला नहीं। तो यस, तो आज तो शिकार मिला नहीं,
बट अब हम क्या करें, जिस वृक्ष के ऊपर है यहाँ पे जो पंछी है उनके अंडे होंगे, क्यों ना हम उन अंडों को आज हम अपने राशन में, अपने भोजन में ले लें। तो उन्होंने इस तैयारी को लेकर उन्होंने ये बात करनी शुरू की कि चलो हम वृक्ष के ऊपर चलते हैं और वहां से हम अंडे उतार कर ले आते हैं। तो ये बातें मोर और मोरनी को पता चल गई। अब वो घबरा गए कि अब हम तो उड़कर जा सकते हैं, बट जो हमारे अंडे हैं ये तो हमारे हाथ से निकल गई। तो उस समय उस मोरनी ने अपने पार्टनर को बोला, मोर को बोला कि कुछ जुगाड़ करो, कुछ तो करो, अपने दोस्तों को तो बुलाओ। तो इस बात को सोचते हुए उसके दोस्त को बुलाना शुरू कर दिया, आवाज देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज को देख सुनने के बाद जो गालर चूहा है वो उसने उसकी आवाज को सुना और आवाज को सुनते हुए वो आवाज देने लगे शेर को कि यहाँ पे शिकारी आ चुकी है। तब तक क्या करें, उस समय जो वहां पे मेंढक था, तो मेंढक जो है मेंढक ने भी आवाज सुनी वहां पे और उन शिकारियों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और उस डिस्टर्बिंग के समय में उस शिकारी ने उस मेंढक को भगाना शुरू किया, मारना शुरू किया। और जो मेंढक था उसने जंप किया, पास में एक छोटा सा तालाब था उसने उसको जंप किया और जिस जंप करते हुए जो शिकारी थे वो भी उसके पीछे गए। इतने में टाइम निकला, जब 5-10 मिनट इस एक्टिविटी में निकला तो वो जो गले चूहा था उसने आवाज ऐसे दी कि शेर को उसके कानों में आवाज आई और शेर भागता हुआ उस एरिया में आया यहाँ शिकारी थे। और शिकारी को देखकर शेर ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको पकड़ लिया, उसको दबोच लिया और उसको अपना शिकार बना दिया। इस चीज से मोरनी और मोर दोनों देख रहे थे। तो ये पूरी स्टोरी से क्या मिला कि जीवन में दोस्त होने चाहिए, जीवन में फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में दोस्त हैं तो वो मुसीबत में काम आते हैं। और जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिस व्यापार के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये व्यापार टिका ही दोस्तों के ऊपर है, ये व्यापार टिका ही अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर है, ये व्यापार टिका ही उन लोगों के ऊपर है जो हमारे आज अनजान लोग हैं, पर कल वो हमारे हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाते हैं, एक फ्रेंड बन जाते हैं और धीरे धीरे वो एक रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज जो मैं आज टॉपिक की बात करूंगा, जिस पीपीटी की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस पीपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पीपीटी का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप अपने जीवन के अंदर हर दिन फेस्टिवल की तरह लाना चाहते हो तो आपके जीवन में फ्रेंड्स होने चाहिए। और फ्रेंड्स बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क इंडस्ट्री है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जो कि आज मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं, तो उसके ऊपर यस थैंक यू। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के दिन मुझे जो मौका मिला, मैं कंप्लीट मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, गोपाल कुंडू सर का और प्रशांता सर का, सुभाष सर का, जिन्होंने आज जो प्यार दिया, स्टैंड सर का कि आज का सेशन जो मुझे सेवा का मौका दिया। और मैं अपनी सीनियर्स अपलाइन मिस्टर प्रवेश भारद्वाज जी एंड संजीव शर्मा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि आज मुझे मौका मिला है आज आप लोगों के बीच में आने का। और मैं अपने पार्टनर मिस्टर शालू ठाकुर जी एंड रमनजीत सिंह कुकरेजा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एंटायर SHPL फैमिली का, क्योंकि आज जो आपका टाइम मेरे साथ 40-45 मिनट का रहेगा। तो हम बात करते हैं आज के दिन में, देखिए आज की डेट में आज जो भी बच्चे का जन्म होता है और जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है, हर आदमी, किसी को भी आप पूछ ले आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, तो हर आदमी चाहता है, एवरीबॉडी वांट सक्सेस, हर आदमी चाहता है जीवन में कामयाब होना, लाइफ में कामयाब होना। बट जब हम ये सोचते हैं कि हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, पर कितने परसेंट लोग लाइफ में कामयाब होकर जाते हैं? एक लाइफ को जीना होता, एक होता है लाइफ को काटना होता है, एक लाइफ को जीना होता है। सक्सेसफुल लाइफ जो है 95% लोग सक्सेसफुल लाइफ को जीकर नहीं जाते,
रोटी कपड़ा और मकान में ही अपने टाइम को निकाल कर चले जाते हैं, बट 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को काम जॉब लाइफ को जीकर जाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है, हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ है या अमीर परिवार में हुआ है, मैटर ये करता है जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आप अपने परिवार को कौन सा लाइफस्टाइल देकर जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सक्सेसफुल होना हर आदमी की इच्छा है, कईयों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कईयों को रास्ता नहीं मिलता, मेहनत पूरी करते हैं पर कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि उनको बस वो रास्ता नहीं मिलता। और अभी का अभी जस्ट लेटेस्ट हम बात करते हैं, यस अभी आपको पता है कि एक वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप। और इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर हुआ क्या, इस फीफा वर्ल्ड के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 30 से 35 कंट्री जो थी पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हुए गेम के लिए, कि वो गेम करने के लिए एलिजिबल हुए। और जिसके अंदर जो जो मतलब कि अगर अर्जेंटीना का जो कंट्री, अर्जेंटीना कंट्री है, 100 कंट्रियों में से अर्जेंटीना ने हिट किया। हिट करने का मतलब कि पूरी दुनिया जो है जिनका ध्यान इस वर्ल्ड कप में था, और इस वर्ल्ड कप में 100 में से एक कंट्री आती है अर्जेंटीना की, जो मिसी जो है जो आपके डेस्कटॉप में है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस के कारण आज वर्ल्ड कप इनके हाथ में हो गया। और इन्होंने फेसबुक के अंदर एक अपनी पिक्स शेयर की थी, जिस पिक्स के ऊपर ये लिखा था आफ्टर 35 ईयर, 35 साल के बाद एक सुकून की लाइफ, एक आरामदायी नींद को इन्होंने एंजॉय किया इस वर्ल्ड कप को, अपने बिस्तर के साथ लगाकर, बिस्तर में अपने साथ लगाकर कि रिलैक्स होकर इन्होंने एंजॉय किया। कारण क्या है, क्योंकि हर आदमी विश तो करता है बट अचीवमेंट कौन करता है, चाहता तो है पर लेता कौन है, लेता वो है जो रात की नींदों को खत्म कर अपने को भूल जाता है। क्योंकि जो घोड़ा होता है, वो घोड़ा जो विजेता होता है, हारे हुए से 10 गुना ज्यादा अचीवमेंट लेता है, ज्यादा टारगेट लेता है, वो एक सेकंड कैसे हारे हुए से निकाल कर वो अचीवर बनता है, तो 10 टाइम ज्यादा उसको अचीवमेंट मिलती है। तो अचीवमेंट उसी की झोली में आती है जो आदमी अपने आप को पूरा का पूरा ढगेल देता है, झोल देता है, और इसी तरह वो आदमी कामयाब बनता है, सक्सेसफुल बनता है। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो किसी वर्ल्ड कप से नहीं है, किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, क्योंकि वो आपके घर के अंदर एक वर्ल्ड कप लाने वाला है, आपके घर में वो तमाम खुशियां लाने वाली है, जो तमाम खुशियों के लिए आपके पेरेंट्स ने आप पर, आप जब पैदा हुए थे तो आपसे एक होप की थी, आपकी वाइफ ने होप की होगी, आपके बच्चों ने होप की होगी, आपकी सिस्टर ने होप किया होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर अचीवर हो जाते हैं, अचीवमेंट ले जाते हैं, तो आपके घर में भी सक्सेस के रूप में एक वर्ल्ड कप आएगा। और इस वर्ल्ड कप के अंदर लाने के लिए हमें 3 पार्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, जो 3 पार्ट के ऊपर हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति ने ध्यान दिया। हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें वर्क करना होगा, देन हमें अर्न होगा, हमारी अचीवमेंट होगी। अगर हम लर्न नहीं करेंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली 100 to 10% आज ही लिखवा लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि मगेरी लाल के सपने अच्छे लगते हैं बिस्तर के ऊपर, अगर आप हकीकत में सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, देन अचीवमेंट आएगी। और सीखेंगे, सीखेंगे तो आएगा, अब सीखेंगे काम करेंगे तो आदमी की लाइफ में अचीवमेंट आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के अंदर किसी भी तरह की जो सक्सेस होती है, सक्सेस चाहे वो वर्ल्ड कप के रूप में हो, चाहे पैसों के रूप में हो, चाहे वो नेम फेम के रूप में हो, सक्सेस पहले आती है या लर्न बाद में आता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लर्न आएगा या पहले सक्सेस आएगी? तो डेफिनेटली पहले लर्न आएगा, पहले सीखना होगा, पहले सीखेंगे फिर काम करेंगे फिर पैसा आता है। आमतौर पर
हमारे दिमाग में कैसा क्या होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब हम ज्वाइन होते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जब हम पब्लिक के बात बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, कहते तूने पहले क्या कमाया, तेरी अचीवमेंट क्या है, तूने क्या लर्न किया, तू जब पैसा कमाएगा तब मुझे बताना। और फिर हम उस व्यक्ति से कंफ्यूज होकर हम अपने सीनियर से बात करते हैं कि सर पैसा क्या आया, पहले मेरे को पैसा आएगा तब मैं काम करूंगा, तब मैं सीखूंगा। इस सोच से, इस मेंटेलिटी से, ऐसे थॉट से लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी यूनिवर्सल इंडस्ट्री, यहाँ पे एक आम आदमी खास बन जाता है, एक ऐसा अलादीन का चिराग जो आपके हाथ में आया। 3 से 5 साल इसको रगड़ना था, रगड़ना कैसे था, सीखना था, काम करना था, तो अचीवमेंट होनी थी। एक आम आदमी ने हमें कंफ्यूज किया और हमने सोचा कि पैसा आएगा, काम करेंगे तो हम सीखेंगे, तो हम छोड़ जाते हैं। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा लर्न को लेकर। आज जितने भी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको पहले 15 से 20 साल क्या उनको पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता था, नहीं पढ़ना पड़ता था? जब ये 15-20 साल जाते हैं कॉलेज में, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, या लर्निंग के समय में MBA करते हैं, या इंजीनियरिंग करते हैं, या MBBS करते हैं, या डिप्लोमा करते हैं, या कोई डिग्री करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब इतना स्टडी करते हैं तो उनके अंदर पेशेंस है या नहीं है, पेशेंस है या नहीं है? क्या वो 18-20 साल जब वो स्टडी करते हैं तो घर वालों से पैसा लेते हैं या घर वालों को पैसा देते हैं? जब कोई MBBS करता है तो वो लाखों रुपया घर वालों से लेते हैं या MBBS करते करते घर वालों को पैसे देते हैं? जब एक MBA करता है तो MBA करते करते घर वालों से लाखों रुपया लेते हैं या लाखों रुपया देते हैं? जब एक आदमी डिप्लोमा करता है तो डिप्लोमा करते समय 18-20 साल जब लगाते हैं तो घर वालों से पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं? अगर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हम घर वालों से पैसा लेते हैं और घर वालों से पैसा लेकर हम लर्न करते हैं, फिर हम वर्क करते हैं, देन उसके बाद पैसा देखते हैं। आज एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, उसने 20-25 साल स्टडी किया, 20-25 साल स्टडी करते समय घर वालों ने कभी पैसा नहीं मांगा और उसके दिमाग में भी कभी पैसे की बात नहीं आई, क्योंकि 20-25 साल वो डिप्लोमा डिग्री लेता है, फिर वो मार्केट में जॉब देखता है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। फिर जॉब करने के बाद 30 दिन काम करता है, 30 दिन के बाद वो अर्न देखता है। मतलब कई आदमी 10-15-20-25-30-40-50 हजार रुपया अगर इनकम महीने का कमाता है या 2-2.5-3-4 लाख का पैकेज कमाता है, तो उस पैकेज की सकल कब देखता है, उस पैकेज को अपने हाथ में कब देखता है, 20-25 साल के बाद देखता है, पहले नहीं देखता। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो 40-50 साल वो मेहनत करता है, हैंड टू माउथ रहता है, रोटी कपड़ा और मकान, सपने तो पूरे नहीं करता ना। और हम कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 से 5 साल में सपनों को पूरा करना है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो सपने हैं उनको पूरा करना है। तो रोटी कपड़ा मकान जो 40 साल करना है उसके लिए हम 20 साल सीखते हैं, तो क्या नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 से 5 साल लर्निंग करने की सोच नहीं रख सकते? आज एक आदमी लाला होता है, दुकानदार होता है, एक फैक्ट्री का ओनर होता है, एक इंडस्ट्री का ओनर होता है, वो भी 20-25 साल लर्न करता है, अपनी इंडस्ट्री लगाता है, इस इंडस्ट्री में 2-4-5-10 करोड़ रुपया लगाता है, रिस्क लेता है, उसके बाद वो काम करता है, फिर वो 5 साल पेशेंस से मेहनत करता है, उसके बाद वो पैसा देखता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। मतलब पहले साल किसी भी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, दूसरे साल इक्वल टू होता है, लोगों को विश्वास होता है, तीसरे साल प्रॉफिटेबिलिटी में आती है। मैं ये उन बिजनेस की बात कर रहा हूं जिन बिजनेस में आदमी को
30 40 50 साल काम करना पड़ता है और जीवन में सक्सेसफुली लाइफ नहीं जी पाते। और हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में जुड़े हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में जुड़े हैं जिस इंडस्ट्री में हम 3 से 5 साल में डंके की चोट पर कामयाब हो सकते हैं और हम इस इंडस्ट्री को इतना लाइट वेट ले लेते हैं। हम सीखते नहीं है, हम काम नहीं करते और हम अर्न कमा ही नहीं पाते और हम इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस परमात्मा का कि मेरे जीवन में ये इंडस्ट्री आई और इन इंडस्ट्री के साथ साथ पहले दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे लर्न करना है, मुझे सीखना है, हर वो काम मेरे हाथ से होना चाहिए जो नेटवर्क इंडस्ट्री में सीनियर लोग करते हैं। मैं काम करूंगा 3 से 5 साल पागलों की तरह। पागल का मतलब है इन बिगड़े हुए दिमागों में गने खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उस पागलपन की हद तक 3 से 5 साल मेहनत करेंगे तो जब पैसा आएगा, अर्न आएगा तो छप्पर पार कर आएगा, पर पहले 3 से 5 साल छप्पर तो बनाना पड़ेगा ना। तो आज जितने भी तमाम लोग भारतवर्ष के लोग, SHPL की फैमिलीज के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपके साथ वो बात करने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने किया या जो मेरे पार्टनर ने किया या जो मेरे सीनियर ने किया और उन्होंने हमें बताया, जो इंटायर मैनेजमेंट कर रही है या जितने भी लोग आज हिंदुस्तान या वर्ल्ड की बात करता हूँ, जितने भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं, उन्होंने ये 3 काम किए, लर्न किया, वर्क किया और अर्न किया। कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही शॉर्टकट रास्ता है। 3 से 5 साल पहले से शॉर्टकट रास्ता है कि 30 से 50 साल को 3 से 5 साल में कन्वर्ट करना। इसलिए लर्न को अपना पार्ट बनाइए, सीखिए कैसे सीखना है, मैं उस पर बात करता हूँ। सीखने से पहले लर्न, मैं कुछ, मेरी पीपीटी बड़ी नहीं है पर मेरी पीपीटी छोटी है, मैं बात करता हूँ करना क्या। सबसे पहले पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। रातों रात अमीर नहीं होता। एक आदमी 30 दिन के बाद नौकरी की सैलरी लेता है, पर 30 दिन कब आते हैं, उससे पहले 20 से 22 साल उसने अपनी जीवन का तमाम स्कूल कॉलेज के अंदर दिया है, उसके बाद आता है पैसा। इसलिए पेशेंस रखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर तुरंत पैसा चाहते हो तो मजदूरी कर लीजिए। डेली का डेली आप तोल माप कर सकते हैं, सुबह से शाम काम किया और आपको 500 से लेकर 1000-2000 रुपया आपको दिन का मिल गया। अगर पेशेंस है तो आपको ये एक इंडस्ट्री है। हाँ, हम इसे इंडस्ट्री इसलिए नहीं समझते क्योंकि जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू नाम की कोई चीज नहीं है। इंटरव्यू नहीं है तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि हर आदमी के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, इस अपॉर्चुनिटी के गेट खुला हुआ है, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। नुकसान ये है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ से लोग सक्सेस हो जाते हैं और इंटरव्यू नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता और हम इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते और हम इसको ऐसे ही छोड़ जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने क्या लगाया, 2-3-4-5 हजार रुपया लगाया, उसके बदले में 8-10 हजार का सामान मिल गया, हमारा तो कुछ लगा नहीं। और अगर एक शोरूम के अंदर 50 लाख लगाकर, 1 करोड़ लगाकर कपड़े का शोरूम खोलते हो, एक फैक्ट्री लगाते हो, तो उसमें पेशेंस होता कि नहीं होता। अगर उसमें पेशेंस होता है तो इसमें पेशेंस क्यों नहीं होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। आपको सीखना क्या है इस इंडस्ट्री में, आपको अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, आपको वो सीखना है जो आपकी अपलाइन करती है। जैसे कि आपकी अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया, आप उनकी बाइक के पीछे बैठकर काम कर रहे हो या आप उनकी बाइक के अंदर या वो आपकी बाइक पे, जब बाइक कार या बस ट्रेवलिंग करते हो, जैसे जैसे वो लोगों से बात करते हैं आपको वैसे वैसे देखना है कि ये लोगों के साथ डील कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, इनके वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, इनका एक्साइटमेंट कैसे है, क्योंकि ये कॉपीकैट मार्केटिंग है, ये नकल मारने का बिजनेस है। जब हम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो टीचर्स हमें कहते हैं कि नकल नहीं मारना, नकल मारेंगे तो जीवन में कामयाब नहीं होंगे। तो डेफिनेटली कि ट्रेडिशनल मार्केट में नकल मारेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, बट इस इंडस्ट्री के अंदर
अगर आप नकल मारेंगे तो कामयाब होंगे, अगर इस इंडस्ट्री में नकल नहीं मारेंगे तो डंके की चोट पर आप कामयाब नहीं हो सकते। नकल मारनी किसकी है? सक्सेसफुल व्यक्ति की। नकल मारनी किसकी है? हमें नकल उस बंदे की मारनी है जो फोर बेसिक से बिजनेस कर रहा है। मैं फोर बेसिक को खोलकर नहीं बताने वाला क्योंकि टाइम नहीं है। फोर बेसिक की पीपीटी कभी ना कभी कोई ना कोई सीनियर आपको लगा देगा, या जो आपके सीनियर है वो आपको बताएंगे फोर बेसिक होता क्या है, लिस्ट कैसे बनती है, कॉन्टैक्ट कैसे करना होता है, प्लान कैसे देना होता है, लोगों के क्वेश्चन आंसर कैसे करने होते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना है, लोगों के नो को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, लोगों को प्लान कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें एक्टिविटी आपके सीनियर करेंगे, वहां से आप सीखिएगा। ऐसा नहीं कि आज आप ज्वाइन किया और आपका सीनियर प्लान देने वाला है तो आप मोबाइल लेकर व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में लगे हो कि चलो सर प्लान कर रहे हैं, ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके हाथ में स्टेयरिंग आना चाहिए। आज अगर आपके घर में जैगुआर है, बीएम या ओडी है, और उस जैगुआर बीएम ओडी को ड्राइवर चला रहा है ना कि आप चला रहे हो, तो जैगुआर बीएमडब्ल्यू की जो इंजॉयमेंट, जो मजा है वो आप ले रहे हो या आपका ड्राइवर ले रहा है? जाहिर सी बात है ड्राइवर ले रहा है जैगुआर को चलाने का मजा। आज शर्वाश्री से मैंने जैगुआर ली है, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ वंस अगेन शर्वाश्री से कि मेरे जीवन में पहले से भी 6-7-8 गाड़ियां थी, बट इतनी बड़ी गाड़ी जो है शर्वाश्री के कारण आई है, क्योंकि शर्वाश्री के अंदर आने के बाद हमें लगा अब हम रिस्क ले सकते हैं। दिस इज अ पैशंस। ये तो ये जो जो शर्वाश्री के अंदर आकर हमें लगा कि यहाँ पे हम ले सकते हैं। और आज अगर जैगुआर है तो जैगुआर मैं चला रहा हूं, जैगुआर का मजा मैं ले रहा हूं, मैं ड्राइवर नहीं रखा हुआ। इसलिए फोर बेसिक के ऊपर अगर हम काम करना चाहेंगे तो फोर बेसिक में काम करना कैसे है? जैसे आपकी अपलाइन कहती है लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट करो, प्लान करो, फॉलोअप करो, लिस्ट बनाओ, 50 से लेकर 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, उनसे बात कैसे करनी है, आज की डेट में प्लान देने से पहले उनसे बात करो, अपॉइंटमेंट करो, और प्लान करने के लिए अपनी सीनियर्स को लेकर जाओ। जैसे सीनियर आपका 10 से 12 मिनट का प्लान करता है, उस प्लान को देखो, प्लान कैसे करना है, 8 से 10 प्लान आप देखिए कि सीनियर प्लान कैसे करता है, 11वां प्लान आपका होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस आपका है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है वो क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए। ऐसे ही जब आप फोर बेसिक में निकलते हैं तो आपको आना क्या चाहिए, सीखना क्या है, 3 से 5 साल में सीखना क्या है, करना क्या है, अबाउट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, वेलनेस का प्रोडक्ट क्या है, कॉस्मेटिक का क्या है, होम केयर का, किचन केयर का, एग्रीकल्चर का, बेबी केयर का, एनिमल्स का, हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों की जानकारी होनी चाहिए। 6 से 7 वैरायटीज है हमारे पास प्रोडक्ट की, 300 प्रोडक्ट है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में तो सीखना है। एक बंदा MBBS करता है ना, 5.5 साल वो लगाता है और तकरीबन 50 से लेकर 60 लाख रुपीज, यहाँ की 1 करोड़ रुपया MBBS करने के लिए लग जाता है, और MBBS करने के बाद उसको सारी उम्र हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में निकालना पड़ता है। पैसा तो कमा लेता है पर टाइम फ्रीडम उसकी लाइफ में नहीं होता, वर्ल्ड टूर नहीं ले पाता। कभी आपने डॉक्टर को हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि वो गंभीर लाइफ में चला गया होता है। अगर वो इतना कुछ सीख सकता है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की तो जानकारी लेनी है ना, हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट लेनी है, वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए कि www.myshpl.com वेबसाइट खोलनी है, वेबसाइट खोलने के अंदर नेट पर एंट्री कैसे डालनी है, ये आपको सीखना है कि नेट पर एंट्री कैसे डालनी है, KYC कैसे करनी है, अकाउंट अपडेट कैसे करना है, IFC कोड कैसे अपडेट करना है, पैन कार्ड अपडेट कैसे करना है। अगर आपकी टीम का चेक नहीं आया तो अगर आपका टीम का आदमी कहता है सर मेरा चेक नहीं आया तो उसको बोलो अपना ID और पासवर्ड भेजो, तुरंत चेक करो कि उसका IFC कोड तो नहीं गलत, उसका अकाउंट नंबर तो गलत नहीं, अगर कोई उसका मतलब दिक्कत तो नहीं, अगर गलत है तो उसको तुरंत ठीक कराओ, नेक्स्ट वीक में पैसा उसके अकाउंट में आएगा। सीखना क्या है? यही तो सीखना है। एक होता है डिपेंड होकर इस इंडस्ट्री से फ्री होना, एक होता है इंडिपेंडेंट होकर इस इंडस्ट्री से फ्री होना। डिपेंड होकर आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो अपने दम पर हुए हैं। तो आपको सीखना है कि वेबसाइट में एंट्री कैसे डालनी है, ये बेसिक चीजें हैं।
हाँ वेबसाइट में ये चेक करना है कि जैसे ये मंथ का लास्ट दिसंबर मंथ लास्ट है, क्लोजिंग डे चल रहा है, तो आपकी टीम के लेफ्ट में और राइट में कितना बीवी पड़ा है, रैंक में कितना आया, आपका रैंक में कितना आया। कई बार लास्ट टाइम में क्या हुआ, कुछ ऐसे सीनियर भी थे जिन्होंने लेफ्ट और राइट में रैंक तो सही था पर सेल्फ आईडी पर रिपर्चेज नहीं किया। वेबसाइट में चेक करो कि कहीं मेरा चेक तो नहीं मेरा लैप्स हो रहा। आपके साथ जो 10 लोग जुड़े हैं आपके फ्रंट में, उनकी भी एलिजिबिलिटी चेक करो कि मेरी टीम के अंदर सबने एलिजिबिलिटी क्या पूरी की या नहीं की। कहीं उन्हें 13-13 हजार की मैचिंग की है, अभी 15-15 हजार की मैचिंग नहीं की, तो उसको फोन करो कि भाई 13-13 हजार 13-13 थाउजेंड में आपको टीम बोनस आएगा 1300 रुपया। अगर 2-2 हजार बीबी डाल देते हो तो आपको 15-15 हजार में जो 10% आना था वो 20% आएगा, 2-2 हजार मतलब आपकी इनकम 3000 से ऊपर आएगी, 3200 रुपया आएगी, 3300 रुपया आएगी। ये वेबसाइट आप चेक करेंगे ना, इसलिए डेली वेबसाइट चेक करो। वेबसाइट चेक करेंगे, जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड करवाओ अपने मोबाइल पर और अपनी टीम की मोबाइल पर, जूम को अपलोड कराओ। जैसे सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक सुबह एवरीडे प्रोडक्ट मीटिंग होती है मंडे टू फ्राइडे तक, तो हर रोज आप अपनी प्रेजेंस बताओ, प्रेजेंस बताओ, स्क्रीनशॉट खींचो और अपनी जूम मीटिंग में डालो। जब आपने 3-4-5 बार हेल्थ के प्रोडक्ट को सुन लिया, कॉस्मेटिक के बारे में सुन लिया, एग्रीकल्चर के बारे में सुन लिया, तो आप अपने लोगों को वेब प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। आप अपने लोगों को प्रोडक्ट का कॉम्बो बना सकते हैं कि मोटापे पर, थायराइड पर, बीपी पर, माइग्रेन के ऊपर, यूरिक एसिड के ऊपर, कैंसर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर कौन सा पैकेज बनाकर देना है, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीखकर नहीं आता, इधर ही सीखता है। सीखता कौन है, जो सक्सेस होना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो इंडिपेंडेंट करना चाहता है। और कौन नहीं सीखता, जो जिनके सपने पूरे नहीं है, जो सीखता है उसकी टीम भी तो सीखती है। कई बार ऐसा होता है एक तरफ 20 लोगों की टीम है, एक तरफ 100 लोगों की टीम है, 100 लोग डिपेंडेंट है अपनी अपलाइन के ऊपर और 20 लोग इंडिपेंडेंट है। मैं आपको कहता हूं 20 लोग ग्रो करेंगे ज्यादा 100 लोगों से, क्योंकि उनको तलवार चलानी आती है। ये बेसिक चीजें जो है कंसिस्टेंसी, ये मतलब काउंसलिंग सीखनी है। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं किसी को ज्वाइन करवाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, SHPL में ज्वाइन कराया मैंने उसको, 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट का ज्वाइन करा दिया, 10 हजार में ज्वाइन करा दिया, जैसे 5 हजार का कॉम्बो पैक चल रहा है उसमें गैस सेविंग मिल रही है, 10 हजार के अंदर आपको वॉचेस मिल रहे हैं, या जैसे भी मैंने किसी को ज्वाइन करवा दिया, प्रोडक्ट दे दिया, वो प्रोडक्ट ले लिया, बट ही इज नॉट सीरियस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग उसको पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। आपने बोला ज्वाइन हो गया, पोसी ने बोला वो छोड़ देगा, आपने बोला ज्वाइन हो गया, जीजा ने बोला वो छोड़ देगा। तो काउंसलिंग का मतलब है जिसको आप ज्वाइन कराते हो उसका माइंडसेट काउंसलिंग करना कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइज बेस्ड सिस्टम है, डिवर्सिफाई इनकम सोर्स है। ये जो आप PMA बुक पढ़ते हो, जीत आपकी बुक पढ़ते हो, या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती है, या मोटिवेटर स्पीकर की बात सुनते हो, वो इसलिए सुनते हैं कि जो नया प्रोस्पेक्ट जुड़ा होता है उनका माइंडसेट काउंसलिंग करना। नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा व्यापार है, इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में टिके रहना है, क्योंकि आज आप कमिटेड हो इसलिए क्योंकि आपकी अपलाइन ने आपका माइंडसेट काउंसलिंग किया। ज्वाइन कराना एक अलग बात है, बच्चे को एडमिशन करवाना एक अलग बात है, पर स्कूल का पार्ट बनाना वो अलग बात है। जब बच्चे की एडमिशन कराते हैं ना, तो एक बच्चा 10-15-20 दिन ना रोता है, बिलबिलाता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे खांसी हो रहा है, इतने बहानेबाजी बनाता है। उसकी माँ को पता है ये बहाना बनाया हुआ है, क्योंकि उसकी माँ के पेट से वो बच्चा बाहर आया है। 10-15-20 दिन के बाद वो बच्चा जो है उस स्कूल का दोस्त बन जाता है, उसमें फ्रेंड्स आ जाते हैं, कल्चर अच्छा हो जाता है, और वही बच्चा जो रो रहा होता है आज हंसते हंसते उठता है, मम्मा मुझे मेरा बैग कहाँ है, मम्मा मैंने जाना है, मेरी टीचर्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरा खाना, मेरा टिफिन, क्योंकि माँ को पता है बच्चे को डुप्लीकेट कैसे करना है। और आपको पता है जिसको आपने शर्वाश्री में ज्वाइन कराया उसको नेटवर्कर कैसे बनाना है। नेटवर्किंग बनाने से पहले उसका माइंडसेट काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आज मैं आपके सामने हूं और आज मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से 28 कंट्रीज एंजॉय कर आया हूं, जिसमें एशियन कंट्री है, अरब कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, पेरिस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, तो ये वेटिकन कंट्री है,
दुबई है, मकाऊ है, हांगकांग है, ये मेरा पॉसिबल तब हुआ, जैगुआर आना मेरे लिए तब हुआ, क्योंकि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल फील कर रहा हूँ। और सक्सेसफुल फील करने में सबसे ज्यादा रोल किसका था, जिसने मेरा माइंडसेट काउंसलिंग किया कि ये इंडस्ट्री सीरियसली ले ले संजीव, इसको लाइट वेट मत करना, क्योंकि पेशे से मैं एक बिजनेसमैन था। जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो 7 साल मैंने अपना शोरूम चलाया, मेरे 3 शोरूम थे, ऑलरेडी मैं बिजनेसमैन था, ऑलरेडी मैं लाखों रुपया मेरी टर्नओवर थी महीने की, मैं हेल्दी पैसा कमा रहा था। उस समय मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री का पता चला कि नेटवर्किंग व्यापार एक ऐसा व्यापार है, इससे भी कामयाब हुआ जा सकता है, पर इससे 50 साल 40 साल नहीं, 3 से 5 साल में कामयाब हो सकते हैं। मैं उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरा माइंडसेट काउंसलिंग किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको ये भी सीखना है कि लोगों को ज्वाइन करवा कर सर्वश्री में रहने के लिए, टिकने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए, नेटवर्कर बनने के लिए और 3 से लेकर 5 साल की कमिटमेंट लेने के लिए उनका माइंडसेट काउंसलिंग कराना भी जरूरी है। ये भी एक 4 बेसिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए काउंसलिंग सीखना बहुत जरूरी है। और सेकंड मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया, हमें सीखना है, ये तो सीखने के बगैर नहीं होगा, ये सीखेंगे, अब करना क्या है, क्योंकि सीख कर लवर कैटेगरी तो बनना नहीं है ना, हमें आता है। आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप तो MBA हो गए, इंजीनियर हो गए, MBBS हो गए, सीख लिया, अगर आपने काम ही नहीं किया तो सैलरी कैसे मिलेगी, अगर आपने काम ही नहीं किया तो फाइनेंशियल फ्रीडम नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे होगा, अगर आपने काम ही नहीं किया तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो काम करते करते सीखना है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते करते सीखते हैं, इसलिए लोग जल्दी छोड़ जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में लोग फेलियर जीवन में होते हैं, काम में नहीं होते, क्योंकि पहले वो 20-25 साल सीखते हैं फिर करते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में 20-25 साल का व्यक्ति होता है जिनको कुछ नहीं पता, वो करते करते नेटवर्क मार्केटिंग सीखते हैं, जिसके कारण अपने जानने वाले लोग, अपने खास लोग जो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट है, जब वो सोचता है कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो वो आपकी टांग खींचते हैं, उनकी बातों में आकर हम छोड़ जाते हैं। इसलिए जब माइंडसेट काउंसलिंग किया उसका या अपना, तो जब हम काम करने के लिए आते हैं तो आदमी छोड़ता नहीं है, कमिटेड होकर लग जाता है। तो काम क्या करना है, काम तो वही करना है, 4 बेसिक जो हमने सीखा है वही तो हमने 4 बेसिक का काम करना है ना, लिस्ट कैसे बनानी है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये 4 चीजों के ऊपर काम करना है। अगर इस 4 चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर लिस्ट आपने 50 लोगों की बनाई, 50 लोगों की अगर लिस्ट बनाई और आप काम करने लगे, तो एक आदमी को अपने साथ 8 से 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना, 8-10 दिन के अंदर 50 लोगों की लिस्ट को खत्म कर दो। 50 लोगों की लिस्ट को खत्म कर देंगे ना, जो आदमी आपके साथ 8 से 10 दिन रहेगा ना, उसको प्लान करना भी आ जाएगा, उसको फॉलोअप करना भी आ जाएगा, उसको माइंडसेट काउंसलिंग करना भी आ जाएगा, मतलब कि ही इज द डुप्लीकेट, वो जो आप कर रहे हो वो आपसे सीख चुका होता है। एक डॉक्टर लाइफ में सैकड़ों डॉक्टर बना देता है, पर पहले वाले डॉक्टर को उस डॉक्टर का कुछ नहीं आता। एक ड्राइवर कितने ड्राइवर बना देता है, उसको कोई प्रोफिटेबिलिटी नहीं होती। एक एडवोकेट कितने एडवोकेट बना देता है, एक पार्लर वाला कितने पार्लर वाला बना देता है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। बट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर एक व्यक्ति को आपने नेटवर्कर बना दिया, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर अगर बिजनेस करेगा ना, तो उसकी इनकम का आपको भी आएगा, दैट इज ए डुप्लीकेशन, दैट इज ए फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। जो कहते हैं ना कि टाइम फ्रीडम तो तभी होगा ना जब मैं जो काम कर रहा हूं मेरे लोग काम करना शुरू कर दे। तो 4 बेसिक को प्रैक्टिकल करना है। और ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज क्या है, जब काम करेंगे तो ड्यूटीज तो आर्मी की भी होती है, ड्यूटीज मुलाजम की भी होती है, टीचर्स की भी होती है, ड्यूटीज तो एक माँ की भी होती है जो सुबह 4-5 बजे लग जाती है और रात के 9-10 बजे तक वो अपनी ड्यूटीज देती है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, अपनी ननंद के लिए, मतलब अपने इंटायर फैमिली के लिए वो ड्यूटीज देती है। आपकी भी ड्यूटीज है, आपकी ड्यूटीज जो है इतनी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी होनी चाहिए जो आर्मी से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी को
40 साल काम करना पड़ता है, फिर जाकर रिटायर होकर घर में आता है, हैंड टू माउथ रहता है, फिर जाकर उसको दूसरी नौकरी तीसरी नौकरी करना पड़ता है। आपकी ड्यूटीज जो है एक शॉपकीपर एक बिजनेसमैन से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल ही तो काम करना है ना, आपको कौन सा सारी उम्र काम करना है। तो ड्यूटीज हमारी ऐसा होना चाहिए, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो सुबह अपने आप को 8 से लेकर 9 बजे घर को चेकआउट कर दो और रात को 9 से लेकर 10 बजे से पहले घर में आने की जरूरत नहीं है। आपको 12 से 14 घंटे टाइम देना है, 12 से 14 घंटे में जो फुल टाइम दे रहा है वो 3 से 5 लोगों को डेली प्लान करना होगा फुल टाइम, क्योंकि आपके पास टूल किट होगी, उस टूल किट के अंदर कंपनी के पंपलेट होंगे, कंपनी का प्लान होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बुक होगी, आपका पेन होगा, आपके पेज होंगे, लोगों को प्लान करना है। तो 3 से प्लान, जब आप दिन में प्लान करेंगे 3 से 5 जो आपका एसोसिएट जो आपका प्रोस्पेक्ट चल रहा है आपके साथ लोगों को प्लान करवाने के लिए, वो बंदा डुप्लीकेट भी होगा और आप उनको बता रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। जब आप 3 से 5 लोगों को प्लान करेंगे और दिन में 3 से 5 लोगों को फॉलो अप करना है, जिनको प्रोडक्ट देना है उनको प्रोडक्ट देना है, जिनको जिनका माइंडसेट काउंसलिंग करना है उनको माइंडसेट काउंसलिंग करना है। कहने का अभिप्राय कि 6 से 7 लोगों को आपको दिन में मिलना है, प्लान फॉलो अप करना है। और मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है प्लान देने की या फॉलो अप करने की, तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था उसको कमिटेड करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, SHKL के लिए, क्योंकि मैंने माइंडसेट काउंसलिंग की भी बात की है। तो ड्यूटीज आपके लिए है कि दिन के अंदर आपको 5-7 लोगों को प्लान फॉलो अप करना है, 2-4 लोगों को प्रोडक्ट जिसको बेचा हुआ है दिया हुआ है, मतलब 6-7 लोगों को इंट्रोड्यूस होना है, 6-7 मीटिंगें लगानी है डेली की डेली, जिस टोन में आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक प्लान 20 किलोमीटर में कर दिया, दूसरा 50 किलोमीटर में, तीसरा 100 किलोमीटर में, सराउंडिंग एरिया में काम करो, 10-15-20 किलोमीटर के अंदर पूरा दिन स्पेंड करो, पहले की प्लानिंग कर लो, एक दिन पहले प्लानिंग कर लो कि आज मैंने इस एरिया में इतने एरिया को कवर करना है, तो 8-10 किलोमीटर के अंदर आप 8-10 लोगों को मिल सकते हैं। ये ड्यूटीज है। ड्यूटीज के अंदर आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि एक घर में एक आदमी अपने घर के अंदर किसी को तभी बुलाता है जब वो प्रॉपर वे में ड्रेस कोड में हो, चाहे वो शेप हो, चाहे आपके बाल का स्टाइल हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके सूज हो, चाहे आपकी खुशबू हो, चाहे आपकी परफ्यूम हो, चाहे आपकी स्माइलिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि लोग संगत के साथ जुड़ते हैं तभी रंगत आती है, नेटवर्किंग के साथ लोग बाद में जुड़ते हैं, SHKL के साथ बाद में जुड़ते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंप्रेशन है। जब आप लोगों के साथ जाते हो तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते कि नहीं करते, मेंटली रिलैक्स होते कि नहीं होते। मैं अपने घर में अपने सीनियर को तब लेकर आऊंगा जब मेरे सीनियर की इज्जत मेरे दिमाग में होगी, मैं कंफर्टेबल हो गया कि नहीं मेरा सीनियर की तरह मैंने बनना है, जीवन में मैंने अपने सीनियर की तरह बनना है। दैट इज ए ड्यूटीज। ड्यूटीज में अगर आप ये काम करेंगे तब भी आप अपने सीनियर्स को अपने घर में लेकर आएंगे। जब सीनियर्स घर में आएगा तो रिलेशन बनता है, फैमिली रिलेशन बनता है, तब इमोशनल बनता है, तब लगता है कि इस घर के अंदर जो पैसे की किचकिच है ना, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसको ही दूर करेंगे, तब इमोशनल बिजनेस चलता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री एक इमोशनल बिजनेस है, इसलिए ड्यूटीज प्रोडक्ट की सर्विसेज देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एरिया में मार्ट नहीं है, शॉपी नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट की सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी से कोरियर मंगाते हैं तो आपको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाकर अगर 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट देना होगा, चाहे पेट्रोल डीजल ज्यादा लगता है आपका, तब भी देना होगा, क्योंकि आप अपनी टीम बना रहे हो, टीम क्रिएट कर रहे हो, आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, आप लोगों को कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट दे रहे हो, इसलिए प्रोडक्ट की सर्विसेज देना एक पार्ट है। अगर आप चाहते हो आपका टीम बन रही है, नेटवर्क बन रहा है, बाबा रामदेव का आज नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है, 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है रामदेव की। पर सन 2000 के अंदर जब वो आया था, जब उनके पास कोई शॉप या मार्ट नहीं था, तो दंत मंजन लॉन्च किया था, 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, तो उनकी सर्विसेज कैसे थी, वो लोगों को सर्विसेज बाई, उनकी हिस्ट्री सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। जब हिंदुस्तान लीवर ने सर्विसेज देनी शुरू की, जैसे भी ट्रेडिशनल में हुआ था, ऐसे ही अगर आप शर्वाश्री के अंदर SHPL के अंदर SHPL के माध्यम से
आप बाबा रामदेव की तरह नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आपको अपने गांव में तहसील में सर्विसेज देनी पड़ेगी, आपको रिश्तेदारों को सर्विसेज देनी पड़ेगी, आपको एक एक्सेल बनाना पड़ेगा कि पिछले महीने किन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लिए, इस महीने मैंने उनको कॉल करना है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर वाला पहले कॉल करता है कि आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस खत्म होने वाली है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म होने वाली है, तो रिमाइंडर दिलवाता है। वो 40 साल रिमाइंडर दिलवाएगा क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम कर रहा है। हम लोग 3 से 5 साल काम करेंगे, 3 से 5 साल के बाद रिमाइंडर दिलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा हमें काम करने की जरूरत नहीं, और लाखों रुपया घर में आएगा क्योंकि करोड़ों की टर्नओवर होगी। इसलिए स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्ट की सर्विस देनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट की सर्विस होगी तो लोग कंफर्टेबल होंगे कि मुझे प्रोडक्ट जो है मिल रहे हैं। शॉप भी खिलाना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट की सर्विस दी, 10-15-20 लोगों को सर्विस दी, अब वहां पे आपको पता चल गया कि जहां पे लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको वहां पे शॉप भी खिलवानी पड़ेगी 1 लाख रुपए की, या मार्ट खिलाना पड़ेगा 5 लाख का, उनके साथ वर्किंग करने पड़ेगी, ऐसे आपकी टीम बनेगी। हम लोग टीम बना रहे हैं, हम लोग किसी के टीम के अंडर काम नहीं करे, हम अपनी टीम बना रहे हैं। अगर जॉब कर रहा होता तो किसी की टीम के अंदर काम करना था, अब नेटवर्किंग में हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं। ये हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा विद अपलाइन के साथ, क्योंकि कौन सी अपलाइन, मुझे किसने ज्वाइन कराया, दैट्स वो अपलाइन नहीं हो सकती। केवल क्या होता है, ज्वाइन कराने वाला बंदा इतना एक्टिव नहीं होता। एक होता है एक्टिव अपलाइन के पास जाना है जो कंटिन्यूस प्रोसेसिंग कर रहा है, और हो सकता है जैसे कि मैं आपको इन 4 उंगलियों में बताता हूं, ये आपके सीनियर है और यहाँ पे आप वो आपको ज्वाइन करवाया इस व्यक्ति ने, तो आपका जो ये ज्वाइन कराने वाला है, हो सकता है ये बंदा सीरियस नहीं है नेटवर्किंग के बारे में, हो सकता है इसके सपने नहीं है, हो सकता है ये नौकरी को प्रायोरिटी देता है, हो सकता है ये काम करने वाला नहीं है, तो आपको इसको छोड़कर बाद में आपको सीनियर को पकड़ना है जो एक्टिव है, जिनको मीटिंग करने आता है, ट्रेनिंग करने आता है, जो प्रोडक्ट में आता है, जिन्होंने एडमिन बनाया हुआ है, जो जूम मीटिंग में एक्टिविटी कर रहा है। आपको एक्टिव अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एक स्पॉन्सर अपलाइन होती है, एक एक्टिव अपलाइन होती है, आपको एक्टिव अपलाइन के साथ बात करनी पड़ेगी। हफ्ते में 2-3 बार बात करो, सर मेरा ये लेवल जा रहा है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर इसका मुझे कैसे काम करना है, इस ये नया एरिया में बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है आपको हर वो चीज बताएगी जिससे बिजनेस आपका चलेगा। काउंसलिंग करने पड़ेगी, टीम के साथ काउंसलिंग करने पड़ेगी, टीम जो बना हुआ उसके साथ काउंसलिंग करने पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी। किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पैसिव इनकम में हो, आप प्रोडक्टों में काम कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी करना और करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस 1 लाख बीवी का जा रहा है एक महीने का, तो 40,000 बीवी आपका कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अगर 40,000 बीवी जा रहा है तो आपका 16,000 कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अगर 15,000, अगर आप डायमंड क्वालिफाई कर रहे हो, मैं छोटे लेवल को लेकर चलता हूं, डायमंड क्वालिफाई करते हो, तो डायमंड क्वालिफाई के लिए आपका 40% का मतलब है 6,000 आपका कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, और बाकी का जो बैलेंस है 9,000 वो आपका ज्वाइनिंग में आना चाहिए। जैसे कि ज्वाइनिंग में आ गया, या गैस सेविंग दे दिया, या वॉचेस के ऊपर नया नया ऑफर डालती रहती है कंपनी भी डालती रहती है, तो बाकी जो चीज है वहां से आना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी करनी और कंसिस्टेंसी करवानी है। अगर ये चीज करते हो, लर्न करते हो, वर्क करते हो, तो हमें प्राइस में क्या मिलने वाला है, हमें वर्ल्ड कप क्या मिलने वाला है, आप क्या सोच कर आए थे, आप जो सोच कर आए थे अब वो मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है हम इस पर बात करते हैं। आपको प्राइस में क्या मिलने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की किचकिच से फ्री हो जाना, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पैसे की टेंशन से फ्री हो जाना, टाइम फ्रीडम, टाइम की आजादी मिलेगी, पैसों की आजादी मिलेगी, टाइम की आजादी मिलेगी। क्योंकि देखो, पैसों की आजादी की मैं बात करता हूँ, पैसे की आजादी, पैसे दो तरह से होते हैं। पैसे को जब हम कमाते हैं ना, या तो हम पेट काट कर जोड़ते हैं, जहां हमारी इनकम इतनी आती है, हमारे खर्चों से ज्यादा इनकम आती है, और पैसा अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही वो है, कंजूसी नहीं करनी, पर हमारे खर्चों से 10 गुना ज्यादा इनकम आ रही है, वो जाने अनजाने बिना चाहे बैंक में पैसा बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मतलब कि अब टाइम ऐसा आ गया 3 से 5 साल में कि अगर 30 दिन होता है, 30 दिन में 4 दिन काम होता है,
24 डे इंजॉयमेंट होता है, 24 दिन इंजॉयमेंट होता है, 4 दिन वर्किंग डे होता है। टाइम फ्रीडम का मतलब कि आपका नेटवर्क बन चुका है, आपकी टीम बन चुकी है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों ने शॉपी खोली है, मार्ट खोला हुआ है, लोग सामान ले रहे हैं, आप सेमिनार्स लगा रहे हैं, आप मीटिंग्स लगा रहे हैं। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम कौन से डॉक्टर को मिलता है, टाइम फ्रीडम कौन से दुकानदार को मिलता है, टाइम फ्रीडम कौन से सर्विस मैन को मिलता है, टाइम फ्रीडम सोचते नहीं है। सर्दियों के मौसम में मन नहीं करता ऑफिस में जाने का, पर जाना पड़ता है क्योंकि सैलरी लेना है। दुकान खोलने का मन नहीं करता, पर जाना पड़ता है शोरूम खोलने का, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन क्यों हुआ, मैं क्यों ज्वाइन हुआ था, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये टाइम फ्रीडम ने मुझे इस इंडस्ट्री के लिए सीरियस किया था, क्योंकि एक लाला जो होता है हमेशा लाला, लाला का मतलब ला, क्या लाला, तो लाला हमेशा लाने की बात करता है। तो मैं इतना फेस्टर था कि सुबह 8-9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपने शोरूम में देता था। तो टाइम फ्रीडम ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस किया। सिक्योरिटी, इस इंडस्ट्री में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो भी जाता है, मेरी फैमिली को सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि नॉमिनी जब आप एंट्री डालते हो तो नॉमिनी पूछती है, ये सारा का सारा पैसा जो है मेरी नॉमिनी, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे को जाएगा। क्योंकि एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर की सिक्योरिटी क्या है, अगर मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है, खुदा ना खासा कुछ हो गया, तो उसकी फैमिली को क्या होगा, जो उसने करोड़ों का बैंक से लिया हुआ है लोन और हॉस्पिटल खोला हुआ है, हॉस्पिटल का लोन कौन उतारेगा, तो वो जो हॉस्पिटल है वो हाथ से चला गया, सब कुछ चला जाता है। तो सिक्योरिटी के लेवल में जॉब में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में बिजनेस में कुछ नहीं है, शोरूम में नहीं है, पर नेटवर्क इंडस्ट्री में सिक्योरिटी के लेवल में बहुत कुछ है। ट्रिप मिलता है, जैसे मैंने कहा 28 कंट्रियों में मैं होकर आया हूँ, उसमें मैंने पैसा नहीं लगाया। अभी लास्ट वीक, लास्ट मंथ में एक लग्जरी टूर हम लोगों ने SHPL का लिया, 4 नाइट 5 डे का लग्जूरियस टूर पताया और बैंकों के अंदर, मैंने पूरा एंजॉय किया अपने सीनियर्स के साथ, अपने पार्टनरों के साथ, अपने फ्रंट लाइन के साथ और कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। हमने एक रुपया खर्चा नहीं किया, मतलब कि मेरी जो जर्नी थी वो कलकत्ता से थी, कलकत्ता से मैंने जब फ्लाइट में बैठा और वापसी कलकत्ता तक मैंने खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, इंजॉयमेंट में एक पैसा जेब में से नहीं खर्चा किया। जो पैसा खर्च हुआ वो मेरी शॉपिंग का हुआ। ऐसे फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपने जो लर्न और वर्क किया, अर्न के रूप में क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, मतलब लाइफ में पीस ऑफ माइंड, कहते ना कि बस टेंशन फ्री लाइफ, पीस ऑफ माइंड मतलब रिलैक्स वाली माइंड, पैसे की टेंशन नहीं, खर्च करने की टेंशन नहीं, मतलब जस्ट रिलैक्स, मतलब एक संत की तरह, एक मंत की तरह। तभी तो है ना, 3 से 5 साल काम कीजिए, पीस ऑफ माइंड, ये नेटवर्क इंडस्ट्री आपको देता है। नेम फेम, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपसे सेल्फी लेते हैं, नेम फेम होता है, लोग आपकी फोटो जब जैसे मैगजीन छिपने वाली है, नेक्स्ट कमिंग कुछ टाइम के बाद कंपनी की मैगजीन आएगी, उस मैगजीन में जब आपका डबल क्राउन बेस्टर होगा, डबल ट्रिपल होगा, तो लोग एग्जाम्पल देंगे कि ये व्यक्ति इस स्टेट का है, इस डिस्ट्रिक्ट का है, इसने मेहनत की और आज 4 लाख महीना कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, आज इसके पास ओटी कार है, आज इसके पास BM है, जैगवर है, मतलब आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप ही की तहसील के अंदर कोई SHPL का प्लान बता रहा है और कंपनी की मैगजीन बता रहा है और आपकी फोटो को हाईलाइट कर रहा है, और वो बंदा सुनने वाला कहता है ये बंदा तो मेरे गांव का है, मैं तो इसको जानता हूँ। सोचो आपकी रिस्पेक्ट कितनी होगी। इसलिए नेम फेम रिकॉग्नाइज ये सब कुछ मिलता है। सोचो आपकी लाइफ कैसे होगी, कमाल की लाइफ होगी। करना क्या है, लर्न वर्क अर्न, लर्न वर्क अर्न, क्या करना है, लर्न वर्क अर्न, करना क्या है। आज अगर वर्ल्ड कप का अगर ट्रॉफी गया है तो ट्रॉफी उसी के हाथ में गया है जिसने क्या किया, लर्न वर्क अर्न, मतलब लर्न वर्क के बाद उनको रिजल्ट के रूप में उसके पास वर्ल्ड की ट्रॉफी मिली है। और आपकी लाइफ में लर्न वर्क अर्न होगा तो जीवन का जबरदस्त आपकी लाइफ में जो है एक हो जाएगा, कामयाबी हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो लास्ट में जाते हुए मैं फिर से आपको क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और न्यू ईयर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो यस, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को लेता हूँ मरियाम की, जो आपने बड़े प्यार से और मोहब्बत से जो सुना, तो मैं थैंक यू सो मच फील करता हूँ कि आपने बड़े धैर्य से
40-45 मिनट सुना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आज मैं इस इंडस्ट्री में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली फील करता हूँ। परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पेरेंट्स के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कारण है कि ये इंडस्ट्री आपके जीवन में, ऐसे इंडस्ट्री नहीं आई, ये इंडस्ट्री आपके जीवन में तब आती है जैसे कि आपके पेरेंट्स ने कोई अच्छा काम किया हो, तब जाकर आप स्पॉन्सर होते हो सकता है ये बिजनेस आपको आपकी बेटी के कारण आया हो, बेटे के कारण आया हो, आपकी वाइफ के कारण आया हो, किसी ना किसी के कर्मों के कारण, किसी ने दुआएं ली होंगी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, आप परमात्मा को बोला होगा कि परमात्मा मुझे एक बार मौका दे, परमात्मा मुझे एक बार मौका दे, फिर देख ये तेरा बंदा क्या काम करता है, फिर देख तेरा बंदा क्या काम करता है। किसी ना किसी दुआओं से ये इंडस्ट्री, ये SHPL आई है। अगर ये SHPL आपकी लाइफ में आई या मेरी लाइफ में आई, अब के बाद हम परमात्मा से ये नहीं कह सकते कि परमात्मा जीवन में आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, परमात्मा ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब उस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होना ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में आपकी कामयाबी है। वो सुना है ना पंछी, पंछी पंछी जिंदा पंछी आपके हाथ में है, अगर मुट्ठी खोल देंगे तो पंछी उड़ जाएगा, अगर हाथ को खतब मतलब प्रेस कर देंगे तो वो पंछी मतलब कि जो आपका सपना है वो खत्म हो जाएगा। आप ओनर हो, आप मालिक हो, आप ही परमात्मा हो, कामयाबी आज के बाद अगर फेल होते हो या कामयाब होते हो वो हमारा डिसीजन होगा, क्योंकि परमात्मा के कारण शर्वाश्री मिल गई, परमात्मा के कारण हमें अच्छी अपलाइन मिल गई, परमात्मा के कारण हमें अच्छा सिस्टम मिल चुका है। आइए हम मिलकर SHPL को पूरा ध्यान से ढंग से काम करते हैं और 2025 के अंदर हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में लेकर जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot for such a beautiful message. Learn, work and earn. क्या बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, और जीवन की सच्चाई है ये कि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आप कमाओगे नहीं. And that's very beautifully told by you. तो ये थे हमारे संजीव शर्मा सर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें वो बताया जो जिंदगी में, सर्वश्री में हमें करना है और उसके लिए हमें सफल होना है। तो मैंने बोला था ना कि अपने शब्दों से जीवन को सफल बना दो, ये आप कर दीजिए आज। तो जितने लोगों ने सीखा है, जितने लोगों ने दिल में बात रखी है, जिन्होंने इस चीज को समझा है, वो जरूर सफल होंगे। राइट तो मजा आ गया सर, सुना पूरा सेशन, ध्यान से सुना, पूरी बातें ध्यान से सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। दोस्तों एक और अनाउंसमेंट है जाते जाते, क्योंकि वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का मन तो नहीं है, बट फिर भी जाते जाते एक अनाउंसमेंट है कि हम 6-7-8 जनवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जो आप सभी को पता है, आप सभी को पता चल भी गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास मौका है एक पहला CNT बनने का, सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बनने का, जो कि ये मौका है 6-7-8 जनवरी को मिलने वाला है। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ धमाल, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो इस मौके को गवाइएगा नहीं, जितनी जल्दी हो, जितनी ज्यादा मात्रा में हो, आप इस पे रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने आप को CNT सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर, फर्स्ट CNT इन SHPL बनने का मौका दीजिए। दोस्तों 3 दिन का ये प्रोग्राम बहुत कुछ सीखने को देने वाला है, बहुत कुछ जिंदगी के आयाम को बदलने वाला है और इस बिजनेस में आपको सफल बनाने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे मैनेजमेंट भी हिस्सा ले रहे हैं, हमारे गोपाल कुंडू सर, सबके प्यारे हमारे CMD गोपाल कुंडू सर, और साथ में मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो कि आने वाले हैं, हमें सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करेंगे, जिनके हाथों से हमें सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, और वो एक ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, एक नामी गिनामी हस्ती है जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने जिंदगी में। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज की जो कहानी, आज की जो स्पीच थी, आज की जो ट्रेनिंग थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा और हम आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो लर्न सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने लोग लर्न करने के लिए तैयार है, कितने लोग लर्न करने के लिए तैयार है?
तो यहाँ पर सभी लर्निंग के लिए अगर तैयार है तो पार्टिसिपेट कीजिए 6, 7, 8, क्योंकि जिंदगी में ऐसी लर्निंग फिर आपको नहीं मिलने वाली है। ये आपकी जिंदगी को सफल बना देगी अगर आप इसको अटेंड करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अनुषा मैम को कॉल कर सकते हैं और अनुषा मैम का नंबर आप साथ साथ में वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे आप रजिस्टर करवाएंगे, राइट। तो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, myshpl.com में जाकर के आप सब कुछ चेक करके और इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस शाम को बेहतरीन और सफल बनाने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि जो आपने सीखा है और अगर आपने सीख करके उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप लोग भी सफल हो जाएंगे, यही उम्मीद के साथ आज की रात, आज की शाम को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को इसी तरीके से किसी नए प्रोग्राम में, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। वैसे सुबह 8 बजे आप सभी से मुलाकात होती है और होती रहेगी सोमवार से लेके शुक्रवार तक। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और किसी को परेशान मत करिए, बिजनेस को और ऊंचाइयों पर लेकर के जाइए। थैंक यू, जय सरुश्री, हर घर सरुश्री, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एवरीवन।